ये 3.2 का क्वेश्चन 5 है, बाकी पिछले पार्ट में करा दिए मैंने। इसमें ए मैट्रिक्स और बी नाम का मैट्रिक्स दिया है और इसको हमें कंप्यूट करना है। ए में 3 की मल्टीप्लाई करके बी में 5 की मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सबट्रैक्ट करना है। अब देखो, 3A माइनस 5B, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराकर लिख देते हैं। 3 लिखोगे आप, फिर A की कॉपी करोगे, से बचने के लिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब यहाँ अगर 3 हो, 3 की मल्टीप्लाई, ये स्केलर बन गया 3। अब 3 ये अंदर के मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेगा। 3 की 2/3 में मल्टीप्लाई होगी, 2/3 में, इस तरह से यहाँ ये इस तरह। जब ये मल्टीप्लाई का निशान है, आपको पता है कभी भी अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो ऐसे क्रॉस में भाग हो जाती है। कितना बचा? सिर्फ 2, तो यहाँ 2 बचेगा। अब यहाँ 3 की 1 में सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो रही, 3 आएगा। यहाँ 5 आ जाएगा, 3 हट जाएगा। यहाँ 1, यहाँ 2, 4, 7, इजी क्वेश्चन है, 6 एंड 2। इसके बाद माइनस 5 की मल्टीप्लाई सेम वैसे जैसे 3 की मल्टीप्लाई हुई थी, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6 और यहाँ 2। अब ये देखो, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2, सेम एलिमेंट, सेम मैट्रिक्स हो गए ना, सेम एलिमेंट वाले मैट्रिक्स। यहाँ तो ये मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को घटाने पर आंसर 0 आ रहा है, और जब 0 आता है तो बड़ी खुशी होती है, बच गए घटाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे मतलब इजी हैं। अब यहाँ अगर करोगे, ये स्केलर है कॉस थीटा, क्योंकि ये बाहर है। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के रख रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ये एलिमेंट जो होते हैं इनको तो हम, जैसे अगर माना 3 और ये 4 की बात हो रही है, तो मल्टीप्लाई में 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिमेंट कॉम्यूटेटिव होते हैं, मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव नहीं होते, लेकिन एलिमेंट कॉम्यूटेटिव होते हैं। एलिमेंट कोई नंबर ही होगा, इसलिए 12 तक वैसे भी सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर है। कॉस थीटा की यहाँ मल्टीप्लाई, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो मैजिक, कोस स्क्वायर थीटा और यहां साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा? ये कोस साइन थीटा कोस थीटा और यहां भी साइन थीटा कोस थीटा, इससे आगे भी सेम है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा कॉस थीटा इधर प्लस में और इधर माइनस में, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, ये एक दूसरे से कट कर 0 बन गया, यहाँ भी ये 0 बन गया,
और यहाँ वन, ये क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हो सकता है क्वेश्चन में ये आ जाए कि भाई इसको प्रूव करो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ वन है, यहाँ वन है, डायगोनल एलिमेंट वन है यहाँ पर और बाकी जीरो। ठीक, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।